शुरुआत करिए फटाफट खबरों की। कोरोना में राज्य की कथड़ेली स्थिति मुद्दे हाईकोर्ट में सुओ मोटो अरजी में सरकार 61 पानों तैयार करी सौगंधनामो। सरकारे नोंधी लॉकडाउन के वीकेंड कर्फ्यू कोई विचार नहीं। गुजरात में पूरता कोविड बेड होवानो दावो, आज हाथ धराशे सुनावणी। आज सवेरे 10:30 गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में योजाशे कैबिनेट की बैठक। कोरोना संक्रमण, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाय अंगे थशे चर्चा। धोरण 10-12 की परीक्षा संदर्भे पण चर्चाओ थई शके छे। आज थी पाटण में फरजियात रसीकरण शुरू थशे। जे वेपारी रसीकरण नहीं करावे तेनो धंधो रोजगार नहीं करवा देवाय। चानी लारी, फेरिया, रिक्षा चालक, हेर कटिंग, सलून सहित लोगों ने फरजियात रसी मुकावी पड़शे। सूरत और पाटण वेपारी कोरोना की रसी नहीं ले तो वेपार धंधो करने नहीं मिले परवानगी। 45 वर्ष की उपरना लोग रसी न लेता होवा संक्रमण ने मृत्युदर चिंताजनक रीते वध्यो। सीबीएसई ने धोरण 10 की परीक्षा रद्द थी, जारी सीबीएसई ने धोरण 12 की परीक्षा हाल मौकूफ रखा। प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा मंत्री साथ की बैठक बाद आ निर्णय। राजस्थान में धोरण 10 और 12 की परीक्षा ने मौकूफ रखाई, जारी धोरण 8, 9 और 11 विद्यार्थियों ने मास प्रमोशन आप। कोरोना बढ़ता जता केस कारण सरकार लीधो आ निर्णय। चैत्री नवरात्रि आज तीजो दिवस, आज नव दुर्गा माता जी चंद्र घंटा स्वरूप ने थशे पूजा। कोरोना काल में 24 कलाक पर रोज घरे बैठा करो जगत जननी दरेक स्वरूप दर्शन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग थी तमाम राज्य राज्यपाल और उपराज्यपाल साथ करते बैठक। बैठक में नरेन्द्र मोदी कहूं कि राज्यपालों जनभागीदारी महत्वपूर्ण आधारस्तंभ है। गत वर्ष की जेम आ वर्षे एनसीसी और एनएसएस की मुख्य भूमिका। गांधीनगर सीविल दर्दियों ने हवे रेमडेसिविर इंजेक्शन की अपाशे प्राथमिकता। सीविल में इंजेक्शन रिजर्व राखी पछी खानगी होस्पिटल ने आपवामां आवशे। सूरतना स्मशान गृह में हवे लाकड़ा की अछत। नवापाल ने लिंबायत स्मशान गृह में लाकड़ा की अछत। बेड ऑक्सीजन बाद हवे लाकड़ा पण खूटी पड़िया। लाकड़ा एकठा करवा रस्ता पर वृक्षों ट्रिमिंग करी स्मशान में लाकड़ा मोकलाय छे। जामनगर की जीजी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं। जिला कलेक्टर रविशंकर चिंता व्यक्त करता जणाव्यु लोग तकेदारी नहीं राखे तो सारवार करनी मुश्किल। 9 दिवस की कोविड हॉस्पिटल तबीबों नहीं कर आरा। 108 नो रिस्पोन्स टाइम 3-4 मिनिट थी वधारीने 1.5 कलाक पहुंची गयो। दर्दी हॉस्पिटल में दाखल न थाय त्यां सुधी राह जोवी पड़ती होवाथी साइकल खोरवाय। पहला कोरोना 20% केस आवता हता ने हवे 50% केस आवे छे। राजकोट में महिला कॉलेज अंडरब्रिज पास रात्रि कर्फ्यू दरमियान युवतीए डांस करते वीडियो बनाव्यो। युवतीए बनावेलो वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो। पुलिसे वायरल वीडियो अंगे तपास शुरू करी। सूरत में युवाओं की अनोखी सेवा, ऑक्सीजन की मांग वधता नानी बॉटल शो थी। युवाओं आ नमनी बॉटल जरूरियातमंद दर्दियों ने मफत में आपे छे। रोजनी 200 जेटली बॉटल जरूरियातमंदों ने आपवामां आवे छे। दिल्ली में कोरोना केस सतत वधी रहा छे। कोरोना से मृत्यु थता लोगों की संख्या पण वधी, जेने पगले आईटीओ विस्तार में स्थित दिल्ली में सौथी मोटा कब्रस्तान में मृतदेह ने दफन करवा जगह खूटी पड़ी। कब्रस्तान में आश्रे 150-200 मृतदेह दफन करवानी जगह बची छे। रमजान पवित्र महीनो शुरू थई गयो छे त्यारे हैदराबाद मेका मस्जिद में लोग नमाज अदा करी। लाउडस्पीकर में कहेवामां आव्युं छे के तमाम लोगोए सरकार की एसओपी नुं पालन करवुं पड़शे। मस्जिद में मास्क और सोशियल डिस्टन्स नुं पालन करवुं पड़शे। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू करता श्रमिकों मध्यप्रदेश इंदौर तरफ वळवा लाग्या, जेने पगले पोलीसे श्रमिकों माटे भोजन और पाणी की व्यवस्था करी। लोग गत वर्ष लॉकडाउन जेवी स्थिति ने दूर रहेवा करी रह्या छे पलायन। गुजरात में कोरोना वायरस नवा 7410 केस। गुजरात में कोरोना वायरस से 73 दर्दियों मृत्यु। अमदावाद में 2526 केस नोंधाया। सूरत में 1655, वडोदरा में 452, राजकोट में 653 केस। महाराष्ट्र में कोरोना केस में वधारो, यथावत एक दिवस में कोरोना 58952 केस, जयरे 278 लोग मृत्यु। 39624 लोग कोरोना ने मात आपी। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6.12 लाख ने पार, जयरे कुल केस की संख्या 35.78 लाख ने पार पहुंची। मुंबई में कोरोना केस में सतत वधारो, एक दिवस में कोरोना 99925 केस, जयरे 54 लोग मृत्यु। निपजा 9273 लोग कोरोना ने मात आपी। मुंबई में एक्टिव केस की संख्या 87443, जयरे कुल केस की संख्या 5.44 लाख ने पार। दिल्ली में एक दिवस में कोरोना 70282 नवा केस सामे आव्या, जयरे 104 लोग मृत्यु। 9952 लोग कोरोना ने मात आपी। दिल्ली में सक्रिय केस की संख्या 50636 थी, जयरे कुल 7,67,000 केस थे।
पंजाब में पण कोरोनाना केस में वधारो यथावत एक दिवस में कोरोनाना 3329 केस ज्यारे 63 लोकोना मृत्यु आ साथे 3173 लोकोए मात आपी कोरोनाने। पंजाब में हाल एक्टिव केसनी संख्या 28250 ने पार ज्यारे कुल केसनी संख्या 2.82 लाख ने पार। कर्नाटक में कोरोनाना केस में वधारो एक दिवस में कोरोनाना 11265 नवा केस જ્યારે 38 લોકોના મૃત્યુ આ સાથે 4364 લોકોએ કોરોનાને માત આપી। કર્ણાટકમાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 85480 ને પાર જ્યારે કુલ કેસની સંખ્યા 10.94 લાખને પાર। ભારતમાં કોરોના કેસ બેકાબુ, દેશમાં એક દિવસમાં પહેલીવાર વિક્રમજનક 2 લાખ નજીક કેસ નોંધાયા જ્યારે 1000થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા। દેશમાં 93000થી વધુ લોકો કોરોના સામે રિકવર થયા। બીજી તરફ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 14 લાખને પાર પહોંચી। भारत में कोरोना ना केस 1,40,00,000 ने पार। अत्यार सुधी में कोरोना थी देश में 1,73,000 से वधु दर्दियों ना जीव गुमाव्यो। आ साथे अत्यार सुधी में कुल 1,24,00,000 से वधु दर्दियों स्वस्थ थया। विश्व में कोरोना ना कुल केस की संख्या 13,88,00,000 ने पार जेमाथी अत्यार सुधी में 29,85,000 से वधु दर्दियों ना मृत्यु। अत्यार सुधी में 11,16,00,000 से वधु दर्दियों कोरोना सामे स्वस्थ थया। वडोदरा एर इंडिया वडोदरा मुंबई शेड्यूल बंद कराशे। वडोदरा एरपोर्ट पर मुसाफरो न मळता लेवायो निर्णय। 30 जानुआरी 2021 थी शुरू थई छे वडोदरा मुंबई की फ्लाइट। 28 मार्च थी फ्लाइट बंद कर देवाशे। एरलाइन्स ने खर्चो पोषाता न होवाथी लेवायो आ निर्णय। कोरोना काल वच्चे उत्तर प्रदेश में पंचायत चूंटणी पहला तबक्का माटे मतदान करवामां आवी रह्युं छे। उत्तर प्रदेश 18 जिला में 2.21 लाख से वधु पद माटे 3.33 लाख से वधु उम्मीदवार चूंटणी मैदान उतर्या। मोटी संख्या में लोग मतदान माटे आवी रह्या छे। अगरतला त्रिपुरा में पुलिस 9 ड्रग पेडलर ने झड़पी पड़ा। पुलिस अगरतला में 2 अलग अलग स्थलों पर 30 ग्राम ब्राउन शुगर और 60 किलो गांजो झड़पियो। आ साथ पुलिस एक 4 फोर व्हीलर 2 बाइक और 1.3 लाख रूपया जप्त कर। जखो पास थी 8 पाकिस्तानी साथ पाकिस्तानी बोट झड़पाई। बोट में 30 किलो हेरोइन। भारतीय कोस्टगार्ड और गुजरात एटीएस संयुक्त ऑपरेशन। रुकाशो एक ब्रेक माटे आप जता रहो जी 24 कलाक।